आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ वो इतनी ज्यादा जबरदस्त है, कहते हैं ना कई बार एक इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन जिस लेवल पे उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मिल नहीं पाती है ना। बहुत साल तक मेहनत करता है वो अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि एकदम नींव हिल जाती है, स्टेबिलिटी उखड़ जाती है। अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ फेस कर रहे हो, आज जो चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ ये मेरा आजमाई हुई चीज़ है। कहते हैं ना दिन में जब मैं हवन करती हूँ, हवन के बाद एक दो मिनट की चीज़ आपको जो बताने जा रही हूँ वो वाकई मान के चलना, आपकी दिन भर दिन वो स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कर देगी जिसकी कोई हद बात नहीं, ये मेरा पक्का वादा है। जिससे क्या होगा, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शौना सेठ, कैसे आप दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर सुंदर माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, मैं एक आपको चीज बताती हूँ। वैसे ही आज बुधवार है ना, हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसको बोला जाता है चक्रा, है ना। हर चक्रा हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो जो चक्रा है उससे जो रिलेटेड है कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज ब्लॉक्ड है या डिप्लीटेड है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। 7 चक्रों के बारे में मैं डेफिनेटली बात करूंगी, बट आई थिंक कल बात करूंगी, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, हर एक इंसान को कहीं ना कहीं एक लेवल पे स्टेबिलिटी चाहिए होती है। स्टेबिलिटी एज इन स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इन वर्क, स्टेबिलिटी मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, हर चीज़ ज़रूरी है ना। जब अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम एक मटीरियलिस्टिक, क्योंकि हम वो कहते हैं ना संसार में जी रहे हैं जहाँ पर हम एक वो कहते हैं ना फैमिली लाइफ में हम एक जी रहे हैं, है ना। तो हर एक इंसान चाहता है कि उसकी जो स्पिरिचुअल उपलब्धियाँ है वो तो मिले ही मिले, पर मटीरियलिस्टिक उपलब्धियाँ भी मिले। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्पाइन होता है ना, स्पाइन के 2 इंच नीचे यहाँ पर होता है हमारा रूट चक्रा। वो कहते हैं ना जो गणपति जी का स्थान है, जो हमको स्टेबिलिटी देते हैं, वो कौन सा है, रूट चक्रा। जब किसी का रूट चक्रा वीक होएगा, डिप्लीटेड होएगा, उसको कभी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। और बड़ी मजेदार बात यह है कि हर चक्रा जो है वो कनेक्टेड होता है अपर चक्रास के साथ। तो मतलब स्टेबिलिटी जो कहीं ना कहीं रूट चक्रा से कनेक्टेड है वो ये क्राउन चक्रा से कनेक्टेड रहेगा। तभी आप देखोगे जिनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती उनका सोचने समझने की शक्ति भी कहीं ना कहीं गायब होती चली जाती है। जिनका रूट चक्रा वीक डिप्लीटेड होएगा, स्टेबिलिटी तो चलो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं उसको जो है वो कहते हैं ना ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज्यादा भयंकर आएंगे। आप समझे, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो गए, मदर के साथ अगर आप मान लो आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो उस इंसान को स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये कनेक्टेड किसके साथ है, मदर अर्थ के साथ, समझे। अब हम क्या करेंगे, हमने इमेजिन करना है अपने रूट चक्रा पे एक ब्यूटीफुल सा, जैसे रूबी कलर होता है ना, रेड रूबी कलर, वो हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। पर मैं ये सजेस्ट करती हूँ, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मैं पहले हवन करती हूँ, है ना, और क्या कहते हैं, जैसे श्रीम ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमला लाय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः स्वाहा। मैं कहती बेशक 21 आहुति दे दो, 11 आहुति दे दो, बेटर रहेगा। मैं तो और भी बहुत सारे हवन करती हूँ अलग अलग मंत्रों के इकट्ठे, तो बट मैं आपको वो सब तो वैसे ही नहीं बोल रही है ना। जब हमारा अग्नि तत्व कहीं ना कहीं उजागर होता है हमारे घर पे, वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है वहां पर, कहते हैं ना करियर रिलेटेड इश्यूज जो है, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ गया, खत्म खत्म खत्म, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया तो बंदे के जो स्वभाव हैं आसपास में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम कम कम, फिर खत्म खत्म खत्म, है ना। ये मैं मेरी तरफ से आपको सजेशन दे रही हूँ, बाकी आप देख लो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही, सीधी बात है ना। जो हवन करना चाहते ठीक है, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने रूट चक्रा पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, है ना। अब किस मंत्र का उच्चारण करना है, उस लाइट को, उस वो जो कहती है ना रूबी रेड
रेड लाइट, रेड लाइट, अगर रूबी नहीं इमेजिन हो पाती कोई बात नहीं, रेड कलर का वो कहते हैं ना ब्यूटीफुल सा आप देखो आपके लोअर चक्रा, आपके रूट चक्रा पे। अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करते करते आपने क्या बोलना, किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम श्रीम सुखाय मूलाधार मुक्ताय नमो नमः। जबरदस्त, क्या बोलूं, ओम श्रीम सुखाय मूलाधार मुक्ताय नमो नमः, ओम श्रीम सुखाय मूलाधार मुक्ताय नमो नमः। ओए ओए, मैं कहती 24 बारी कर लो, 24 बारी कर लो, कॉन्सेंट्रेट कर करके सच्ची कह रही हूँ। हम लोग इधर उधर कहते हैं ना, भटकते हैं, ये कर ले वो कर ले, जो मेन क्रक्स है हमेशा एक चीज़ बताइए, ये जो चीज़ों में इतना पावर होता है ना और किसी चीज़ में भी नहीं है, सच मान के चलो। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, कल ना पीले कपड़े में जिनको भी घबराहट होती रहती है, कहीं ना कहीं झगड़े कलेश की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है, मैंने वैसे दूसरे चैनल जो हमारा पहला चैनल है शाइना सेठ पे बताया था, अपने सिराने जो होता है ना पीले कलर के कपड़े में थोड़ी सी सौंफ डाल के वो रखकर सोना शुरू कर दो। वैसे एक आपको बात बता रही हूँ, बाप पूछोगे शाइना ये वाला हम मंत्र कब करें, ये रात को भी कर सकते हैं, इसका कोई दिन नहीं है, ओम श्रीम सुखाय मूलाधार मुक्ताय नमो नमः, कोई किसी भी टाइम। मैं तो करी थोड़े थोड़े, अगर इंटरवल में भी दिन में 5 बार कर दिया, थोड़ा सा कहते हैं ना 2 मिनट का ब्रेक देकर अपनी जो लाइफ है उससे ब्रेक ले लो और देखो फिर चमत्कार, लाइफ में चेंजेस देखना, लाइफ के जरिए देखना कैसे कैसे खुलते चले जाएंगे, ये आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो अपने सिराने थोड़ा सा पीले कपड़े में थोड़ी सी सौंफ डालकर सो जाया करो, आप एक एक हफ्ते बाद इसको चेंज करते रहा करो, ये जो सौंफ है वो कहीं पर भी मिट्टी में दबा दो या पेड़ के नीचे रखाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं, नए सौंफ अगर रखते हो वो भी बेहतरीन वैसे काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे एक आपको बात बता देती हूँ छोटी सी, मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है क्योंकि आज बुधवार है ना, इसको मैं कैसे भूल गई, अगले बेशक बुधवार से कर देना, जब कहते हैं ना हर जगह से हाथ खड़े हो जाए कि अब भाई कुछ नहीं हो पा रहा, 108 मोदक ले आओ, अगले बुधवार कर लेना, चलो कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है, आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला दी, गणपति जी का आपने ध्यान करना है कि आप तो सब जानते हो, आप सब कर सकते हो, मेरी जो भी आपकी समस्या है, विवाह की समस्या है, कई बार रिश्ते बार बार टूट जाते हैं, कई बार कारोबार भी मतलब डाउन ही जाए जा रहा है ना, ऊपर वाले से बड़ी तो कोई सरकार है नहीं, कोई चीज़ है नहीं, वो चाहे तो सब कुछ हो जाए, वो चाहे वो कहते ना ग्रह उनके आगे क्या है, मैं तो यही मानती हूँ। क्या करोगे, 108 मोदक ले आओ, अब आपने आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला दी, अब आप क्या करोगे, अब आपने उनका ध्यान करके कि मैं मेरी ये मनोकामना है, ये मनोकामना आप पूरी कर दो, 5 आहुति देनी है मोदक की, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ऐसे करते करते 5 मोदक की आपने आहुति दे देनी है। बाकी जो मोदक होंगे वो जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो मोदक है वो आप बच्चों में बांट दो। मैं कहती अगर महीने में एक बार भी किया, किसी बुधवार को कर दो, चतुर्दशी को कर दो, चतुर्थी को कर दो, बात बनेगी, काम बनेगा, क्या बनेगा कैसे बनेगा वो मुझे नहीं पता, मार्ग खुलेगा इतना मेरे को पता है। ये उन लोगों के लिए भी है जिनके घर पे झगड़े कलेश की स्थिति कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, जादुई वैसे काम करेगा, ये बात है, ठीक है। पाशा लोग मेरे गुगु भाई लाइक तो कर दो है कि नहीं, क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।